राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में तूड़ी चारे के संकट के बीच हरियाणा सरकार गरीबी में आटा गीला वाली कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करते हुए बॉर्डर को सील कर दिया और तूड़ी चारे को राजस्थान में लाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस पाबंदी के कारण राजस्थान में तूड़ी के दाम 200 से बढ़कर 900 रुपए से भी ज्यादा हो गए। राजस्थान से हरियाणा तूड़ी चारा लेने गई पिकअप गाड़ियों के हरियाणा पुलिस ने चालान काटे, जिसमें वाहन मालिकों को तो परेशानी होती रही, साथ ही आमजन को भी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार की सरकत को लेकर भादरा विधायक बलवान पूनिया हरियाणा सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा पुलिस ने बैरियर्स नहीं हटाए। भादरा और नौर से लेकर जिले भर के तमाम पशुपालक व गौशाला संचालक पहले ही जिलाधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंप अपनी मांग जाहिर कर चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा राज्य जॉइंट सेक्रेटरी राजस्थान। साथियों, पशुपालक किसानों के लिए जो तूड़ी की और चारे की राजस्थान प्रदेश के किसानों को दिक्कत हुई है और गौशालाओं में जो दिक्कत हुई, इस मसले पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। साथियों, जब हिंदुस्तान में काले कानून आए थे, उसमें हिंदुस्तान की जनता को यह समझदार दिखाया जा रहा था कि आप अपना उत्पादन, कृषि उत्पाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हो, इसलिए मंडी से बाहर भी छूट करेंगे। तब किसानों को यह लगा कि इन कानूनों से मंडी खत्म हो जाएगी और चीजें कालाबाजारी में चली जाएंगी, कृषि उत्पाद किसी भी तरीके से सरकार के और जनता के नियंत्रण में नहीं रहेगा। अल्टीमेटली आंदोलन चला, एक साल तक लोग लड़े, सरकार ने काले कानून वापस लिए। फिर थोड़े दिन पहले हरियाणा की 6 मंडियां खत्म करने का आदेश निकला, ये मंडियां खत्म होंगी और सीधा का सीधा गेहूं आप अदानी पावर को, अदानी को आप सीधा का सीधा गेहूं दीजिए। लोगों ने फिर विरोध करा, आदेश निरस्त करना पड़ा। साथियों, गेहूं कौन लेगा, स्टो कांवरी, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके आगे दो कदम और चले, पशुपालकों पर हमला हुआ। हरियाणा सरकार ने आदेश निकाला कि एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य आप चारा नहीं ले जा सकते, तूड़ी नहीं ले जा सकते। तर्क ये दिया इसके पीछे कि हमारी गौशालाओं में प्रबंध नहीं हुआ। साथियों, ये तुगलकी फरमान है हरियाणा सरकार का और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते। खट्टर साहब, आप अपनी हरकतों से बाहर जाओ। आप पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, गुजरात लोगों को बांटने की नाकाम कोशिशें मत करो। हमारी हरियाणा में रिश्तेदारियां हैं, हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, वहां का गेहूं पैदा करने वाला किसान अपने रिश्तेदारों के यहां तूड़ी बेचता है, यहां जिस क्षेत्र में गेहूं पैदा नहीं होती उनके लिए गेहूं बेचता है, और राजस्थान से अच्छी क्वालिटी का बाजरा हरियाणा में जाता, देशी बाजरा हरियाणा में जाता। राजस्थान से बहुत सारे उत्पाद लोग हरियाणा में बेचने के लिए आते हैं, लेकिन पिछले 3 रोज से 4 रोज से आपने पूरी की पूरी पुलिस राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी कर दी, जिसे राजस्थान की जनता न सिर्फ स्तब्ध है, अचंभित है, बल्कि आपकी साजिश से परेशान है। और आप जनता को एक राज्य से दूसरे राज्य में बांटने का काम कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ तमाम पशुपालकों से कहना चाहता हूं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का 100 में से 40 पैसे यानी
40% अर्थव्यवस्था का हिस्सा है पशुपालन। जिले के जनप्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार से तूड़ी ले जाने पर रोक हटाने की मांग की, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस रोक को हटाने से मना करते हुए सख्ती बढ़ा दी। डीसी अजय सिंह तोमर ने संबंध में बताया कि सरसा जिले की गौशालाओं में पल रहे 60,000 से अधिक मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था का होना आवश्यक है, इसके बाद ही दूसरे राज्यों के लिए बैरियर हटाए जाएंगे। तब तक जिले के बाहर चारा फिर या कि अन्य प्रकार का कोई भी चारा बाहर नहीं जाएगा। क्षेत्र के एक किसान ओम नारायण ने कहा कि पिछले 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल तूड़ी होती थी तो किसान गौशाला में दान भी दिया करते थे, लेकिन अब तूड़ी का दाम 3 गुना बढ़ गया। ऐसे में किसान गौशालाओं में तूड़ी भी नहीं दे पा रहे। इस कंडीशन में गौशाला प्रबंधकों के लिए गौवंश का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। गौशाला के संचालक तूड़ी के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, परंतु हाईफाई दामों के बावजूद भी तूड़ी मिलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस चिंता में है कि गौवंश का पेट कैसे भरें। प्रबंधकों ने तूड़ी दान देने के लिए अपील भी जारी की है। कलेक्टर धमल डिडेल भी किसानों से गौशाला में तूड़ी और हरा सूखा चारा देने की भी अपील कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।